अस्सलाम वालेकुम वीवर, दिस इज़ मी आबिद कुरैशी एंड आप देख रहे हैं आबिद कुरैशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीवर, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब से महाना लाखों रुपए लोग कैसे कमा रहे हैं और ये आप भी कमा सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप ये सीख लेते हैं। शॉर्ट सी वीडियो के अगर आप शीट सीख लेते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं एंड इस पर अपलोडिंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो डेली बेसिस पे कैसे अपलोड करनी होती हैं और कैसे लोग इस पर महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यूट्यूब चैनल बनाना सीख जाएंगे एंड आप अर्निंग मंथली अर्निंग करना भी सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो तीन स्टेप हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपने इन स्टेप को फॉलो करना है एंड इंशाल्लाह आप 5 मिनट अपने मोबाइल के फ़ोन के अंदर अपना चैनल बना लेंगे एंड उसका लोगो पिक सब कुछ इजीली लगा लेंगे और उसके बाद आप अपने चैनल पे जो है ना काम करके इंशाल्लाह 1 माह के अंदर मोनेटाइज करवा लेंगे और महाना लाखों रुपए कमाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं भी कमा रहा हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ अपने ही चैनल का भी, आप देख सकते हैं 4400 सब्सक्राइबर है मेरे, तो अभी भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं कैसे लाखों रुपये महाना कमा सकता हूँ और कैसे अभी कमा रहा हूँ, मेरे रनिंग स्टार्ट है तो आप भी देख लीजिए और इंशाल्लाह आप इस बात पे अमल कीजिए जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप भी महाना लाखों रुपए कमाएंगे। तो अभी देखिए मेरा चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो $3 अभी मेरे पास इधर पड़े हैं जो कि एडसन पे अभी मेरे डॉलर चले चुके हैं, ठीक है, जो एडसन पे ऑलरेडी जा चुके हैं पिछले मंथ वो अलहदा होते हैं, जहाँ पर जो आपकी रेवेन्यू दिखा रहा होता है ये आपका जो जो आउट इनकमिंग जो रेवेन्यू शुरू हो रहा होता है ना, जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है जो महीने के फर्स्ट दिनों में ट्रांसफ़र होकर एडसन में चला जाता है, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास $3.75 बन रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो थे $15 से $20 थे मेरे, वो ऑलरेडी एडसन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो यहाँ से अपडेट होकर वहाँ पर चले गए हैं। तो ठीक है व्यूअर, यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी, तो अभी हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। आपको मैं बता देता हूँ कि आप इजीली अपना यूट्यूब का चैनल कैसे बना सकते हैं। तो व्यूअर एक बात जान लीजिए, सबसे पहले नंबर पे जो आपको मेन चीज़ चाहिए होती है यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए वो आपको ईमेल चाहिए होता है, ठीक है। वो आम ईमेल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस ईमेल के अंदर ये चीज़ होती है कि आपका जो पासवर्ड होता है ना वो ऑथेंटिक पासवर्ड होता है, ठीक है, जो आपको रेगुलर याद रहता है, ठीक है, आप कभी भूल लेना और वो ईमेल भी आपको याद रहे, ठीक है। तो उसके अलावा क्या चीज़ होती है, उसके अलावा 2-स्टेप वेरिफिकेशन होती है जो कि ईमेल के अंदर सेटिंग के अंदर जाके आपको ऑन करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको फुल सिक्योर हो जाता है आपका ईमेल, कोई हैकिंग से वगैरह से जो है ना वो बच जाता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरे पास अभी ईमेल लॉगिन है, तो आपके पास लॉगिन नहीं होगा, आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाएगा। तो सिंपल है, स्टेप एक ही है, हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्यूअर ऊपर देख सकते हैं आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है क्योंकि हमने क्रिएट अ न्यू जीमेल कि हम न्यू जीमेल आईडी अपनी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है वेरीफाई, तो हम वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि क्रिएट अ न्यू जीमेल, हमने न्यू जीमेल अपना ऐड करना है जो कि हमारा चैनल का जीमेल होगा, जो हमने लाइफ टाइम उसको यूज़ करना है और जिस पर हमारा चैनल चलेगा। बेसिकली इसका पासवर्ड ही हमने ऐसा रखना है जो हमें याद रहे, कभी भूल ना पाए। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो ईमेल हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो ना ही वो चैनल किसी काम का रहेगा ना ईमेल, क्योंकि अगर आपने फ़ोन नंबर अपना नहीं दिया हुआ ईमेल के अंदर तो आपका फारगेट वाला ऑप्शन भी नहीं आने वाला। तो हमने फॉर माई पर्सनल यूज़ इस पर क्लिक करके अपना ईमेल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक किया, फर्स्ट नेम हमें बता रहा है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद लिख लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कुरैशी। इस तरह जो भी आपका नाम होगा आपने सिंपली अपने नाम से ही ईमेल क्रिएट करना होगा ज़ाहिर है, तो आपने नाम लिख लेना है फर्स्ट और लास्ट नेम। तो डेट ऑफ मंथ वगैरह बता रहा है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं ईमेल जनरेट कर रहा हूँ। तो डे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ईयर आपने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी 1996 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जेंडर बता रहा है, तो हमने यहाँ पर सिंपली मेल सेलेक्ट कर लेना क्योंकि हम मेल हैं। तो व्यूअर ये अभी आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी, और इसके बाद मैंने वो सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये ईमेल जो सजेस्ट कर रहा है वो गूगल की तरफ से सजेस्ट ईमेल ये हो रहा है, ठीक है, abidq6734@gmail.com नीचे है abid99aq99 8815@gmail.com, ठीक है। तो मैं इसी को नीचे वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, आप चाहें तो जो भी क्लिक करना चाहे तो अपना कस्टम न्यू ईमेल ऐड कर सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया।
तो व्यूअर हमें पासवर्ड कह रहा, तो मैं यहाँ से पासवर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने पासवर्ड लगाया, इस पर क्लिक किया। तो व्यूअर अभी हमारे पास आई एम यस आई एम पे क्लिक करना आपने, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, ये कह रहा है आप अपने अकाउंट का जो है इन्फो ये दोबारा से चेक कर लीजिए। ये आपका अकाउंट का नाम होगा, ईमेल का, ठीक है, ईमेल आपका जो है वो नीचे ये नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो हम कहते हैं ओके भाई, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सिंपली नीचे हमें प्राइवेसी वगैरह बता रहा है, एग्री पे क्लिक कर लेना सिंपली। तो व्यूअर ये एग्री पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर सॉरी एग्री पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ईमेल कम्प्लीटली जनरेट हो जाएगा। इसका पासवर्ड भी ज़्यादा और इसका ईमेल भी मच गया, तो इसका मतलब है भाई कि आप ये ईमेल के अंदर है, आप इस तरह ईमेल क्रिएट करने के बाद आप इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ चुका होगा कि भाई आप अपना मोबाइल फोन ईमेल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी हमारी अभी बन चुकी है, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने जो अभी जनरेट किया ईमेल आईडी, इस पर मैंने क्लिक करके अपनी आईडी लॉगिन कर ली है, ठीक है। ये हमारे पास अभी शो हो चुका है, ये हमारा ईमेल है, ठीक है। तो ऊपर पे आप देखें फर्स्ट जो आइकॉन है हमारा, ये अभी आपके सामने ही मैंने जो ईमेल ऑन स्क्रीन बनाया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ईमेल है। तो अब हमने यहाँ से चैनल कैसे क्रिएट करना है वो मेन पॉइंट आपने समझना है। ये देख लीजिएगा यहाँ पर योर चैनल का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर लेना है। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बच्चा भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब देखिए हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है और नेम मांग रहा है एंड हैंडल मांग रहा है। तो हैंडल ऑलरेडी जो लगा हम उसे रहने देते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऊपर वाली जो दो चीज़ें हैं इनको हमने चेंज करना है। तो ईमेल का नाम हमने इसे चेंज करते हुए, क्योंकि हम अभी चैनल बना रहे हैं तो हमने ईमेल का नाम यहाँ पर नहीं रखना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं व्लॉगर का चैनल बनाना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अबिद व्लॉगर। चाहे आपका इस्लामिक चैनल हो तो आप इस्लामिक पर नाम रख सकते हैं, अगर आपका कोई और टेक्निकल चैनल है तो आप टेक का नाम, एजुकेशन चैनल है तो उस तरह का, आप जिस तरह का आपको नाम इजी लगता है अपने टॉपिक के हिसाब से आपने उस तरह का नाम लिख लेना अपने चैनल का। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल व्लॉगर करना चाहता हूँ, तो मैंने व्लॉगर का नाम दे दिया यहाँ पर। तो व्यूअर ये हमारा चैनल का नेम सेट हो चुका है, ऊपर हमारी प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है तो हमने वो सेट कर लेनी है। तो हम गैलरी में आ चुके हैं, यहाँ से हमने प्रोफाइल पिक्चर ले लेनी है जो कि हमने अपने चैनल के ऊपर लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ फर्स्ट वाली पे, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप अपने हिसाब से कोई भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि आपकी मर्ज़ी की पिक्चर होगी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक पिक्चर ही लगानी है, कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें सेट कर ली हैं अपने चैनल की, जो हम नया चैनल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ चैनल का हमें ऑप्शन मिल रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सिंपली हमारे पास चैनल क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है, चैनल हमारा प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका दोबारा से विज़िट करवा लेता हूँ। ऊपर आइकन पर क्लिक, मैंने चैनल योर चैनल पर गया, अभी देख लीजिए हमारे पास चैनल दिस चैनल डज नॉट एग्जिट, यहाँ पर हमारे पास अभी कोई अपलोडिंग नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आपने चैनल बना लेना अपना। चैनल बनाने के बाद आपने नीचे आपको एक आइकॉन शो होगा, ठीक है, प्लस का, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है प्लस के ऑप्शन पे, ठीक है। ये प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपके पास तीन ऑप्शन शो होंगे, क्रिएट शॉर्ट, अपलोड वीडियो, गो लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं होने वाला, कुछ यूज़ के बाद आपके पास पोस्टिंग का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो व्यूअर आपने सिंपली अपलोड अ पिक्चर पर क्लिक कर लेना है, अपलोड अ वीडियो पर सॉरी क्लिक कर लेना है यहाँ पर, तो आपने वीडियो अपलोडिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना, जो कि आपकी अपनी बनी बनाई वीडियो होगी ना, आपकी ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट होगा तो आपने वो अपलोड कर लेना है। और थंबनेल बनाने का प्रोसीजर अगर आप देख सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अपने ही चैनल पर, आप जाके मेरे चैनल पर थंबनेल बनाने के तमाम तर वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आप रेगुलर इस पर हर मंथ की तकरीबन 25 से 30 वीडियो आपकी रेगुलर होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके चैनल में जो है सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो उसके बाद एक मंथ में आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। और आप भी इसी तरह जिस तरह और बहुत सी दुनिया बहुत से लोग कमा रहे हैं मंथली लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ रुपये तक लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते भाई। आप इस प्रोसीजर पर फॉलो कीजिए, अपना चैनल बनाइए, इसी तरह सेम सीख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप प्रॉपरली बात को समझ चुके होंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।